और अब खबरें विस्तार से। नागपुर के पवित्र स्थल दीक्षा भूमि में 65वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिन पर समारोह का आयोजन किया गया है। दीक्षा भूमि में दर्शन करने के लिए सुबह से ही अनुयायियों का तांता लगा है। विशेषकर वैक्सीन के दोनों डोज लेने वालों को ही दीक्षा भूमि में प्रवेश दिया जा रहा है। कोरोना महामारी के चलते पिछले 1.5 वर्षों से दीक्षा भूमि स्थल भी बंद था, जिस कारण अनुयायी दर्शन करने नहीं जा पाए। वहीं इस साल गुरुवार को धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की पवित्र अस्थि कलश के दर्शन करने के लिए सुबह से ही अनुयायी आ रहे हैं। धम्म चक्र प्रवर्तन दिन के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दीक्षा भूमि में केवल कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लेने वालों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही जिनके पास 72 घंटे पूर्व की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट है, उन्हें ही प्रवेश मिल रहा है। वहीं 65 वर्ष के ऊपर के बुजुर्गों को और 18 वर्ष से कम वालों को दीक्षा भूमि में आने की अनुमति नहीं है, ऐसी जानकारी डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्मारक समिति के सचिव सुधीर फुलझेले ने दी है। मागच्या वर्षी कोरोनाचं संकट थोडं भारीच होतं, त्यामुळं अनुयायांना दर्शनही घेता आलं नाही। बाकी 14 एप्रिल 6 डिसेंबर बुद्ध जयंती यातही अनुयायांना येता आलं नाही, त्यामुळं बाबासाहेबांच्या दीक्षाभूमीचं बाबासाहेबांच्या अस्थीचं दर्शन घेण्याची उत्कंठा सर्व अनुयायांमध्ये होती। यावर्षी कोरोनाचं सावट अजून गेलेलं नाही, तरी गर्दी होऊ नये म्हणून स्मारक समितीने सर्व समारोह हे रद्द केलेले आहेत। आंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिषद रद्द केलेली आहे, जो मुख्य कार्यक्रम असतो तोही रद्द केलेला आहे, पण अनुयायांना विना त्रास देता अस्थींचं दर्शन व्हावं म्हणून स्मारक समितीनं महानगरपालिका आणि पोलीस प्रशासनाच्या सहाय्यानं सर्व अनुयायांची सोय केली आहे, जेणेकरून आपण कोरोनाचे सर्व नियम पाळून बाबासाहेबांच्या अस्थींचं दर्शन घेऊ शकू। यामध्ये ज्यांच्या 2 लसी झालेल्या आहेत त्याच लोकांना प्रवेश राहील। ज्यांच्याकडे 2 लसीचं प्रमाणपत्र नाही, त्यांनी 72 तास अगोदरची RT-PCR किंवा 24 तास अगोदरची रॅपिड अँटीजेन टेस्ट केली असेल आणि ती निगेटिव्ह असेल, त्यांनाही प्रवेश देण्यात येईल। 18 वर्षाखालील आणि 65 वर्षावरील नागरिकांना प्रवेश देता येणार नाही। त्याशिवाय मास्क घालणं, सॅनिटायझर वापरणं हे बंधनकारक आहे। सर्व अनुयायांनी स्वतः सुरक्षित राहावं, आपल्या कुटुंबाला सुरक्षित ठेवावं आणि त्याजोगे सर्व समाजाला ह्या कोरोनाच्या संसर्गापासून वाचवावं, असं मी आपल्याद्वारे सर्व अनुयायांना आवाहन करतो।